कल्याणिका हिमालय देवस्थान की स्थापना आज से लगभग 20-21 वर्ष पूर्व, पर इस कुमाऊं के इस सुंदर परिवेश को देख के, इसकी सुंदर दृश्यावली को देख करके, वातावरण को देख, यहाँ के लोक जीवन को देख करके, समझ करके, लौटते वक्त हमारे मन में विचार हुआ कि हाँ, एक आश्रम की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि यह हिमालय की भूमि अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में विकसित रही, और बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, समय समय पर यहाँ से चलते हैं। और दूसरे चरण में शिक्षा के लिए प्रथम हमने यहाँ पर संस्कृत को भाषा के रूप में चुना, क्योंकि हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति है, यह संस्कृति के ऊपर ही आधारित है, तो संस्कृत का अध्ययन बहुत जरूरी है। आज अमेरिका के लगभग 9 से 10 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और जर्मन में सबसे पहले संस्कृति यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और लंदन के अंदर 3री कक्षा से संस्कृत पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया। आज विश्व संस्कृत को पढ़ रहा है। आज भारत में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। गीता में भी भगवान ने इस बात को स्वीकार किया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में मेरे संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए प्रकृति ने इस चराचर जगत की रचना की है। तो इस मंदिर की स्थापना का पहला उद्देश्य है, जो भी इस परिवेश में प्रवेश करे, उसके मन में सात्विक भाव उत्पन्न हो, इसके चारों तरफ के जो परमाणु हैं, एक अच्छे परमाणु यहाँ विकसित हों, आते ही लोगों में शांति की अनुभूति हो। दूसरे नंबर में जिस क्षेत्र में श्रीयंत्र की स्थापना होती है, वह क्षेत्र समृद्धशाली बन जाता है, वहाँ के लोग अच्छे विचारवान बनते हैं, अच्छी उनकी सोच विकसित होती है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए दो वस्तुओं की जरूरत है, साधन की भी जरूरत है और साध्य की है। साध्य है वो परमेश्वर, साधन है जगत के व्यवहार जिनसे चलते हैं वो चीज़ें। भारतीय संस्कृति ये बताती है, प्राणी मात्र की सुरक्षा करनी चाहिए, जीव की हिंसा करना महापाप है। यही बात हम जनता को भी बताते हैं। भगवान ने हमको फल के पेड़ दिए, उसमें बहुत अधिक विटामिन है, उसमें बहुत अधिक जीवन जीने की शक्ति है। दूध में भी बहुत अच्छी अधिक शक्ति है, और जीवन की ऊर्जा भी उसमें बहुत मिलती है। तो ये जंगली जानवरों को मार करके उनका जो तुम मांस खाते हो, इसको बंद करो, ये पाप है। त्रिसुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम। माँ पराम्बिका भगवती श्री विद्या के चिंतन मात्र से, उपासना मात्र से भोग की भी प्राप्ति होती है, साधन की भी प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है, तेज की भी, बुद्धि की भी, हर चीज़ की प्राप्ति होती है, और अंत में व्यक्ति मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है।